हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वी लॉग। सुबह के भाई इस वक्त बज रहे हैं 11:30 हो रहे हैं, तो सो गए, उठे हैं अभी, लाइट गई हुई है, बे टाइम लाइट गई हुई है। तो ना पता हो यार, लाइट इस टाइम गई है, इस टाइम आ जानी है, रोज जाती है भाई, बे टाइम गई है। मुझे लगता है कोई ट्रांसफार्मर वगैरह ना बूम फट गया है, जिसकी वजह से लाइट गई है। तो कोई पता नहीं कब आए, पानी का हल्का मुका हुआ है, सर में तेल रोका हुआ है, तो नहाना भी है, जिसकी वजह से अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। खैर फिलहाल तो नाश्ता करना है, इतना पानी था, मुंह हाथ गर्म हो लिए, तो नाश्ता करते हैं जाके। नाश्ते में हमारे पास पराठा, चने और चाय है, तो नाश्ता करके मिलते हैं। तो जी इस वक्त हम आए हैं अपनी फूफो के घर, तो लाइट वगैरह थी नहीं, तो फूफो के घर आके बैठ गए। लेकिन जैसे ही फूफो के घर आए हैं, लाइट आ गई है। तो फूफो के घर आए हैं तो क्या हमें पता चलता है, यहाँ पे हमारे ब्लॉग्स चल रहे हैं, फेमस हो गए हैं हम, तो दिखाते हैं आपको भाई। अलग ही खुशी होती है जब आप कहीं जाओ और आपके ब्लॉग्स चल रहे हो। इतनी खुशी। तो जी बच्चों ने कर दिया, हमने खाला के घर ड्रॉप मेरा आज भी कर दिया है, हमारे कर दी है, वो इसके स्पोर्टिंग में फीलिंग आ रही है मुझे। तो यार आज हम लोग करते हैं यहाँ पे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं भाई। हाँ जी, तो फिर यार आधा घंटा पहले लाइट आई है, कोई बड़ी खुशी हुई, लाइट आ गई भाई, पानी पुनी भरा है, हम चली जाती है, देखे नहा धो लिया हमने, नहाए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मामा को लेके बाज़ार, वहाँ से कोई सामान सामान लेना, बाज़ार बजूर जा रहे हैं। तो लेकिन बाज़ार तो हम जा रहे हैं, मसला ये हो गया, लाइट फिर चली गई है। पुराना पाकिस्तान, ये तो होना ही है, लाइट फिर चली गई है। लेकिन कोई नहीं, अभी हम जा रहे हैं बाजार, उम्मीद है हमारे आने तक लाइट आ जाएगी, तो फिर चलते हैं हम बाजार, मिलते हैं बाजार जाके। तो जी वो खड़ी है अपनी गाड़ी, चलते हैं इसमें। जी बैठ गए हैं हम अपनी गाड़ी में, इसको करते हैं स्टार्ट। जान गाड़ी में बैठ गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी तो चला लिया, लेकिन एसी पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा, गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से गर्म हवाएं मार रहा है एसी। लेकिन कोई नहीं, हमारे पास इसका भी हल है, दो तीन ठंडी बातें करते हैं, ठंड हो जानी है गाड़ी में, जैसे कि तो भाई जान जैसा कि आप देख रहे हैं, मामा भी आज झुकते मार रही हैं, मामा आज फुल फॉर्म में है। ठंडी बात में अम्मा ने कही है बर्फ, तो बर्फ की जगह से और भी हो सकती है, तरबूज, लस्सी, और भी आइसक्रीम, ठंडी चीजें ये भी। तो ऐसे अगर चुसें भी लंबी लंबी मारी जा सकती हैं, जैसे यार मैं दो तीन बॉडीगार्ड रख रहा हूँ, यार बाहर जाना होता है तो फैन फोन मिलने आ जाते हैं, तो उनको संभालने के लिए, यू नो फेमस बहुत ज्यादा हो गए हम, तो इस वजह से ठंड लगने लग गई है। वैसे अब ना काफी ठंड हो गई है, तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते, हमें जम जम गए, तो फिर तो मिलते हैं बाजार जाके, हैं सर्दी हो गई है गाड़ी में। ये देखिए जी, गाड़ी में ऑलमोस्ट हो गया पेट्रोल खत्म, अब पहले हम पेट्रोल डलवाएंगे। जी तो इस वक्त हम आए हैं टाटा मार्केट फैसलाबाद, इसे कॉटन मिल भी कहा जाता है। फैसलाबाद को ना बेसिकली मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि भाई पाकिस्तान में फैसलाबाद कपड़े का गढ़ है, यहाँ पे कपड़े का सारा काम सबसे ज्यादा फैसलाबाद में होता है। अच्छा, तो हर जगह पे यहाँ पे देखिए कपड़े ही कपड़े की दुकान आपको नजर आएगी। यहाँ पे हम खैर मामा को लेके आए थे, यहाँ पे कुछ कपड़े छपड़े लेने थे अम्मा ने। उसके अलावा हमारा यहाँ पे एक दोस्त रहता है, हमारा भाई, हमारा बचपन का यार, तो उससे हमने कहा मिल लेते हैं उतनी देर, जितनी देर अपना काम हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं लैंड से मिलने, तो जाके मिलते हैं उससे। सो माई डियर फैंस, सूट वूट हमने लिए हैं खरीद जो लेने थे, तो इस वक्त अम्मा गई हैं ज़रा बाजार में, मिंटकुमरी बाजार गई हैं, यहाँ से कोई घर के टिश्यू वगैरह ख़त्म हुए थे किचन के लिए, ऊपर यूज़ के लिए ना, तो टिश्यू लेने गए हैं ज़रा। तो अम्मा का इंतजार कर रहे हैं ज़रा, जैसे ही अम्मा आती हैं तो वापस घर को निकल जाएंगे। देखते हैं जी, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं अम्मा का। ये मेरे गाड़ी की रौनक है, ये बंदा हंसता रहता है, जब देखो ये हंसता रहता है, ये 24 घंटे हंसता रहता है भाई, बीमार हो जो मर्जी हो गाड़ी में जा रहे हो, इसने बस हंसना ही है।
ये और कोई काम नहीं करता, बहुत बेशर्म आदमी। तो चलो ठीक है, जो भी है यार, अभी आते हैं अम्मा तो फिर चलते हैं घर। अच्छा यार, तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी तो शिकंजवी पीने का फैसला किया, या फैसला बाद में जंग बाजार में बड़े पुराने शिकंजवी वाले बैठे हैं, बाबा जी शिकंजवी वाले, तो उनके पास जा रहे हैं शिकंजवी पीने। आपको भी बताते हैं कैसी है। तो जी ये है जंग बाजार की फेमस शिकंजवी। तो जब अम्मा लोग कहते हैं जब हम छोटे छोटे थे तब भी ये लोग यहीं पे थे, तो ये जी बाबा जी की शिकंजवी। तो आज हम भी ट्राई करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कैसी है ये। तो भाई साहब ट्राई करते हैं इसे, चेक करते हैं कैसी है। नॉट बैड यार, ना इतनी गंदी है ना इतनी अच्छी है। A few moments later. ओ नहीं यार, कुछ तो बात थी शिकंजवी में, अब जब पी ली है तो समझ आई है यार। गर्मी लग रही थी, अब गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही, जिसम ठंडा हो गया है। तो कुछ तो स्पेशल उन्होंने डाला ही होना ना अंदर, ठंड पै गई है जिसम। तो अब वैसे वापस हम जा रहे हैं घर, तो घर जाके मिलते हैं आपको। ओके करें। जी तो बाजार से हमें सब वापस आ गए हैं, भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, तो हमारे पास खाने में चाय है और ये समोसियां वगैरह थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए पड़ी हैं। तो इसको खाते पीते हैं, उसके बाद यार चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अपनी तबीयत खराब हो रही है, उसके बाद ना सो जाना, फिर सो के उठ के मिलेंगे, फिर कुछ कर लेंगे अगर दिल किया तो। तबीयत पता नहीं खराब हो रही है फिलहाल, तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो यार मुझे ना इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार हो गया, तो नींद नहीं आ रही, चक्कर आई जा रहे हैं, जिसम थोड़ा गरम गरम लग रहा है, तो नींद आ नहीं रही। घर में ना जी भी आवाज आ रही सी हो रही थी, सोचा बाहर थोड़ी देर होके आते हैं जरा ग्राउंड में। मोजलों की कलोनी जहाँ पर रहता हूँ वो तो आपको दिखाई हुई है, तो आज अपनी कलोनी के पार्क में जरा चलते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ जाके, तो जाके मिलते हैं जरा वहाँ। इस कलोनी के बच्चों का चल रहा है मैच, मैच लगा हुआ है बोतल पे, फ्री नहीं मारी कलोनी के बच्चे खेलते, बोतलें शोतलें लगा के खेलते हैं। मेरे साथ यहाँ पे आया हुआ है रोशन, ये रोशन सितारा है मेरी कलोनी का, ये पहला दोस्त है, पहला बच्चा रखा था मैंने कलोनी का, ये समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो मैं रोशन इस वक्त आया मैच देखने, तो आपको भी दिखाते हैं थोड़ा सा मैच। तो जी यहाँ पे फुल मैच हो रहा है, बोतल शोतल लगी कितने वाली लगती है, डेढ़ लीटर सवा दो का भैया मैच लगा हुआ है, फुल इंटेंस मैच है, जान भी बाजी लगाई हुई है यहाँ पे। पेड़ा 11 वर्सेस, इलेवन वर्सेस ये वाला ब्लॉक। अच्छा जी, पेड़ा 11 वर्सेस बी ब्लॉक, ये टीम्स के नाम है। हमारा 11 चल रहा है, कल पेड़ा 11 जीत गया था भाई, बोतल जीता था पेड़ा, बाजू में कोई नहीं, आप ब्लॉग में आने वाले हो, ये सलमान भाई है। अच्छा जी यहाँ पे पीड़ा 11 और बी ब्लॉक में से हम सपोर्ट कर रहे हैं पीड़ा 11 को, आपको पीड़ा 11 के कैप्टन से मिलवाते हैं। इधर देखें सर, ये पीड़ा 11 के कैप्टन है, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं भाई, हमारी सपोर्ट इनके साथ है। ये पीड़ा 11 के बैट्समैन सलमान साहब बैटिंग कर रहे हैं, और ये मिस यार खुदा का वास्ता आउट हो जा, डिग ले लो जा, स्कोर दिखा दे, तेरा लास्ट बॉल है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेड़ा 11 ने हारना जरूर है, कल की बोतल इन्होंने माफ करवा के जाना है, राम जी ने भी कल वाली बोतल माफ करा दी। और ये स्टेडियम में बिल्ली का एंट्री, स्टेडियम का बिल्ली का एंट्री, हम पठान के सपोर्टर। मानी 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 पेड़ा उठो जी, अल्लाह पेड़ा जला।
और ये है पेड़ा 11 के कैप्टन जो कि इस वक्त बैटिंग पे आ चुके हैं, अपनी तरफ से पूरी चौकियां मार रहे हैं कि हमने कुछ ना कुछ आउट होते हुए बच गए और ये हाँ चाहते हैं कि आउट हो। ये हैं जी स्टार प्लेयर पेड़ा 11 के ओ जा भाई उमर भाई, हैट्रिक किया इन्होंने। ये देखा फिल्म ला रहे हो ये। और ये पेड़ा साहब हार गए हैं बोतल हारते हुए। म्यूजिक ये देख, कल की माफ हो गई उनकी, कल की माफ हो गई, पेड़ा लोग कल जीत गए थे, ये भाई जीते हैं। होड़ करो जरा मुजरा मजा भी आवे ताड़ा मुजरा देखन दा जीतन दी खुशी च मुजरा इतनी खुशी। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं यहां पे एंड। तो आज के व्लॉग में उम्मीद है आपको जैसे रोज मजा आता है आज भी बहुत मजा आया होगा, आप लोगों ने पसंद किया होगा आज का व्लॉग। तो इस व्लॉग को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं यार मैं देख रहा हूँ व्यूज कम हो जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें, ज्यादा से ज्यादा व्यू करें यार, अपने जानने वालों से भी सब्सक्राइब कराएं, हमने चैनल को ग्रो करना है, जल्द से जल्द ग्रो करना है, तो जल्दी जल्दी कराएं सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।